शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज फिर से समय देने के लिए। कल जब आप देवयानी बोल के गए और दूसरा आपने कैनरा बैंक बताया, तो शाम होते होते ना सर हमारे पास भी एक खबर आ गई कि इसके नंबर्स काफ़ी अच्छे आ रहे हैं देवयानी इंटरनेशनल के। तो हमने खबर गरम वाले सेगमेंट में भी आपका ही दिया हुआ शेयर को नोटिस करवाया दर्शकों को, आज इसके नंबर्स हैं। एक तो भसीन साहब, मेरे को आज के आप अपने शेयर्स दिवाली वाले ज़रा पहले बताइएगा, फिर मैं थोड़े कुछ और मोमेंटम या खबर वाले शेयर्स का आइडिया आपसे लूँगा। हाँ, गुड मॉर्निंग डिम्पी, आपको भी, अभिषेक को भी और प्रियंका को। पहले आपको अपडेट दे दूं, 90 रुपए में आपको खुल के कहा था आईओसी के नंबर्स बहुत स्ट्रांग आएंगे, ये आउट परफॉर्मर है। 10% की चाल आई है जबकि इंडेक्स ने कुछ भी नहीं किया, देख लीजिए भाव 90.99 हो गया। दूसरा, 2 हफ्ते से कह रहा था स्पेशलिटी केमिकल्स आर बॉटम डाउन, चाइना की वेट मत कीजिए, नंबर्स विल बी वेरी स्ट्रांग। एसआरएफ, दीपक नाइट्राइट और आरती, ये 3 मैंने सजेस्ट किए थे स्लोडे लॉन्गर टर्म के लिए, कली कल में 6-6 और 10-10% बढ़ के आए हैं। तो दीपी जी, कई बारी हम थोड़ा से गलत होंगे क्योंकि मार्केट का माहौल है, लेकिन हमारी जो स्ट्रेंथ है वो ये है कि अंडरलाइंग फंडामेंटल्स में आपको विश्वास करना है। शेयर बाजार में क्या कमाता है, होल्डिंग पावर, और बैठना पड़ता है जब टाइम टफ हो। आप कल का एग्जाम्पल ले लीजिए, स्पेशलिटी केमिकल में क्या पुल बैक आया है। आज के दिवाली के टॉपिक्स है ए बी कैपिटल, मैंने ये शेयर बहुत पहले 90, 100, 110, एबी कैपिटल हैज गॉन अ सी चेंज। जो नया मैनेजमेंट आई है आईसीआईसीआई से, जो एमडी आई है, शी हैज टर्नड अराउंड दिस स्टॉक। देखिए, इट हैज 4 बिजनेसेस एनबीएफसी में, जहां उनकी बुक इज द हाईएस्ट एवर इन द रिकॉर्ड। सेकंड, हाउसिंग फाइनेंस। थर्ड, इट्स द एएमसी की होल्डिंग कंपनी है और एसेट मैनेजमेंट पे दे आर ग्रोइंग लीप्स एंड बाउंड। और फोर्थ, इंश्योरेंस, बोथ लाइफ एंड हेल्थ में दिस इज द होल्डिंग कंपनी। प्रॉफिट वॉज 705 करोड़ दिस क्वार्टर अगेंस्ट 488, और आगे के लिए मुझे लगता है एज एन एनबीएफसी सबसे बढ़िया, इवन बेटर देन बजाज, दिस इज परफॉर्मिंग और वैल्यूएशन आर वेरी वेरी कंफर्टेबल। साथ में इट कम्स फ्रॉम द पेडिग्री हाउस ऑफ एबी ऑफ आदित्य बिरला, जहां मुझे कोई दो राय नहीं कि ये शेयर आपको 250 रुपए का भाव दिखा के जाएगा। तो दिवाली का टॉप पिक है ए बी कैपिटल। दूसरा दिवाली का पिक है एयू बैंक। एयू बैंक हैज अंडर परफॉर्म क्योंकि उन्होंने एक मर्जर अनाउंस किया विद अ स्मॉल फाइनेंशियल बैंक, और मुझे लगता है मार्केट स्प्रेड में राजस्थान, वेस्ट में, ईस्ट में और महाराष्ट्र रीजन में दे आर स्प्रेडिंग वेरी वेरी फास्ट, और ये समय है एनबीएफसी स्ट्रोक स्मॉल फाइनेंशियल बैंक का। एयू फाइनेंस की जो क्रेडिट ग्रोथ और रीच है वो बहुत स्ट्रांग है, तो 670 पे इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। 800 रुपए का टारगेट मुझे दिखता है इन एयू बैंक। ठीक है, तो ये दो शेयर ए लीटर वाले, एबी कैपिटल 170 रुपए का भाव और एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, ये अगर आपके पोर्टफोलियो को लंबी अवधि में अगर रोशन करना है, जगमग करना है, तो ये दो काम करेंगे। लेकिन भसीन साहब, आज के पटाखे कौन से हैं, आज कहां पर धमाका होगा? तो देखिए अभिषेक, आपको मैंने पीछे भी कल परसों में प्रियंका को जिंदल स्टील दिया था एज अ ट्रेडिंग पिक 595, कल 626 बिका, 5% अप था। मुझे अभी भी लगता है मेटल्स में रैली शुरू हो रही है और आपको उनके रिजल्ट डिस्काउंट कर दे। तो टॉप पिक है वहां हिंदुस्तान कॉपर। हिंदुस्तान कॉपर के 10 तारीख को रिजल्ट है, रिजल्ट बहुत शानदार है। इट इज द थर्ड लार्जेस्ट कॉपर माइंस इन द वर्ल्ड, और मुझे लगता है जो ट्रांजिशन हुआ है उसका, कॉपर प्राइसेस आर स्टार्टिंग टू इंच अप ऑन अ वीक डॉलर। ये शेयर 175 रुपए का भाव दिख सकता है। एज अ ट्रेडर आप 145-147 में लीजिए, 139 का स्टॉप लॉस, 165 का टारगेट मैं दूंगा इन द शॉर्ट टर्म। दूसरा पिक है मेरा फेवरेट आईडीएफसी फर्स्ट। ये एज अ डिस्क्लोजर, मैं 5 साल से ओन करता हूं और मैं अगले 15 साल तक नहीं बेचूंगा। आईडीएफसी फर्स्ट ने बहुत स्मार्ट रैली दी, 35 से 100 हो गया, वहां पे थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग आई है बिकॉज द कैपिटल, दे हैव रेज मोर कैपिटल, बट मिस्टर वैद्यनाथन जैसा बैंकर नहीं है। 82 रुपए में आपको मिल रहा है, 78.50 का स्टॉप लॉस रखिए। दिवाली वाले दिन इसका भाव 90 रुपए होना चाहिए मेरे हिसाब से। भसीन जी, ठीक है, तो ये आज दो स्टॉक्स जो आज के पटाखा स्टॉक्स होंगे दिवाली से पहले, और कुछ दो लंबी अवधि के लिए फंडामेंटल नजरिए से भी आपने पिक्स दी। भसीन जी, आपने जो केमिकल स्पेस पे काफी समय से अपना कन्विक्शन दिया था, मस्ट कंग्रेचुलेट यू एसआरएफ और दीपक नाइट्रेट और तमाम स्टॉक्स जो कल अच्छी मूव के साथ थे, पर क्या एक बार के लिए टेक्निकल लेवल्स के हिसाब से इसे एक डेड कैट बाउंस भी कई लोग कह रहे हैं,
इस स्पेस में आरती इंडस्ट्रीज के जो नंबर्स आए, क्या आपको लगता है कि धीरे धीरे फंडामेंटल थोड़े से बेटर हो रहे हैं केमिकल स्पेस आउटलुक के? क्योंकि आप चैनल चेक से देखें तो जितने भी केमिकल स्टॉक्स हैं, केमिकल कमोडिटीज हैं, केमिकल आइटम्स हैं, उनके पीक से 50-50% प्राइस गिर चुके हैं। Correct, Priyanka, but that is in the price. Acetone prices from 25 have come down to 15, and so has phenyl. But I think the ab unme upside aayega, given that China rebound, given the case that valuations have become attractive, to aapko invest tab karna hai jab there is, you know, numbers are discounting the future. And SRF ka management hi le lijiye, wo kitna optimistic tha on the second half. दूसरा आपके लिए हमेशा होएगा डेट कैट बाउंस, आज भी आ रहा है कि मार्केट्स आर इन फॉर अ डेट कैट बाउंस, डोंट गेट सकते, देयर विल ऑलवेज बी टू कॉल्स ऑफ द मार्केट, वन इज ऑन द बुल साइड, वन इज ऑन द बेयर साइड। हम तो पेरिनियल बुल है, हम तो यही कहेंगे कि आप अगर पोर्टफोलियो नहीं बनाएंगे तो आप कमाओगे क्या? अभी भी मैं सोचता हूँ 19700 के ऊपर दिवाली मनेगी तो बी पॉजिटिव, और स्पेशलिटी केमिकल में पर्टिकुलरली SRF और दीपक नाइट्राइड, ये दोनों मेरे हमारे पोर्टफोलियो में है, हमने अक्यूमुलेट किया है एज अ डिस्क्लोजर। हमें लगता है ये शेयर यहाँ से अगले 6 महीने में बहुत अच्छा रिटर्न देंगे। तो शॉर्ट टर्म में दे आर डिपेंडेंट ऑन चाइना एंड अ लॉट ऑफ द प्राइसिंग ऑफ दीज केमिकल्स, बट आई वुड से के इन्फ्लेशन प्रेशर विल सी दीज प्राइसेस राइज इन टैंडम एंड यू शुड बी लुकिंग टू बाय दीज इन अ पोर्टफोलियो। बनानी चाहिए आपको केमिकल स्टॉक्स की, जिसमें SRF और दीपक नाइट्रेट ये टॉपिक्स होंगी संजीव वसीम की। बहुत बहुत शुक्रिया संजीव जी आज समय देने के लिए और ये सारे स्टॉक्स हमें बताने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। आज ब्रोकिंग हाउस के रडार पर भी है, वहां पर भी कॉमन आया और वो है वरुण बेवरेजेस। बड़ा वेल्थ क्रिएटर यह स्टॉक रहा है और इसमें मैनेजमेंट ने क्लियरली कहा कि वो अपनी कैपेसिटी को पिछले एक साल से, अब जो कंपेयर करें तो बेस ईयर से, लगभग 45% तक अपनी कैपेसिटी को बढ़ाएंगे। और साथ ही बहुत कॉन्फिडेंट मार्जिन, अपने बेटा मार्जिन की उन्होंने बात की जो 21% रहेगा। और यही सारी बातें दोनों बड़ी ब्रोकिंग फर्म से माफ कीजिएगा, चाहे CLSA हो चाहे जेफरीज हो, दोनों ने इस बात को कही है कि कहीं ना कहीं वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा स्ट्रेच्ड है, री रेटेड है, बट लेकिन सस्टेन होने चाहिए और टारगेट प्राइस भी ऊपर की तरफ बढ़ाया। क्या वरुण बेवरेजेस पर इन दोनों ब्रोकिंग फर्म का पॉजिटिव नजरिया, टारगेट ऊपर करना, ये आज स्टॉक के लिए एक अच्छा इंपैक्ट के फॉर्म में निकल आ सकता है? क्या वैशाली वरुण बेवरेजेस को खरीदने की सलाह होगी आज? आई वुड एक्चुअली अग्री सो, बिकॉज देखा जाए तो लॉन्ग टर्म ट्रेंड इंटैक्ट है और फिलहाल एक 900 का सपोर्ट है। सो 900 के सपोर्ट के साथ जैसे कि वॉल्यूम भी कल बढ़ चुके हैं, आई थिंक ये दिस स्टॉक इज रेडी फॉर अ टारगेट ऑफ 1000-1050, तो मेरा व्यू इसमें पॉजिटिव रहेगा। 1000-1050 तक का लागर और यही टारगेट्स दिए हैं, इनफैक्ट 1100 भी दिया है यहाँ पर वरुण बेवरेजेस पे टारगेट जेफरीज ने, लेकिन एक टेक्निकल टारगेट जो वैशाली को दिखता है नियर बाय वो 1050 तक का है। ठीक है, नायका की भी बात करते हैं, नायका के भी नंबर्स आए, नायका पर अभी हमने फिलहाल अभी बात ही की, लेकिन चलिए कुछ और दूसरे स्टॉक्स जो हमारे पास आज शरद बता के गए जिनमें अच्छे नंबर्स आए, उसमें एक इंडो काउंट का नंबर स्टॉक भी है। इंडो काउंट वो स्टॉक है जो टेक्सटाइल स्पेस में अच्छी खासी सर्च दिखा चुका एवर सिंस वेल्सपन के नंबर्स आए, और इनफैक्ट उससे भी पहले काफी चल चुका था। क्या ये नंबर्स का जितना भी इम्पैक्ट है ये ऑलरेडी प्राइस में है आयुष? इंडोकाउंट की अगर हम बात करें तो एक डबल बॉटम जैसा फॉर्मेशन हमें देखने को मिल रहा है, जहाँ पे इसने अराउंड 315 के आसपास का एक बेस बनाया है। मुझे लगता है इस स्टॉक में वापस अपसाइड का पोटेंशियल है, लेकिन इसमें जो माइनर एक रेजिस्टेंस फेस कर रहे हैं वो है 100 EMA का जो 330 के आसपास का आता है। तो जैसे ही स्टॉक 330 के ऊपर के निकल के ट्रेड करता है हमारा, इसमें डबल बॉटम फॉर्मेशन भी कंफर्म हो जाएगा, तो हमें इसको बाय करना चाहिए। इसमें जो नेक्स्ट टारगेट बन के आएगा वो 337 का बन जाएगा, फॉलोड बाय 350 का, और इसमें जो आपका स्टॉप लॉस होगा वो आपको 315 का रखना है। ओके, ठीक है, एक बजाज फाइनेंस।